अभी लाखों नियुक्तियां करनी है और अभी छठे चरण का हम लोग काम पूरा करने जा रहे हैं। अभी तक जो उम्मीद है उसके हिसाब से इस महीने के अंत तक हम लोग इस चरण को पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सारी समीक्षा करके सातवें चरण की भी शुरुआत कर देंगे। सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, उनको धैर्य से रखना चाहिए। बिहार में सातवें चरण के शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सातवें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में सातवें चरण के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया सितंबर महीने के अंत से शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगस्त महीने के आखिरी तक छठे चरण के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद सातवें चरण की शिक्षक बहाली शुरू कर दी जाएगी। पहले सुनिए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का क्या कुछ कहना है। ऑपरेटेड पास अभ्यर्थी लगातार धरना पर बैठे हैं। उनका कहना है कि बहाली को लेकर हम लोग बैठे हैं और शिक्षा मंत्री सिर्फ आश्वासन देते हैं। बहालियाँ हो रही है वो आप नहीं देख रहे हैं, आप क्यों नहीं उनको आश्वासन देते हैं? जब बहालियां हो रही हैं, अभी भी बहालियां हो रही हैं और आप कहते हैं कि सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, इसका हम क्या कर सकते हैं? आप बताइए, आपके सामने पिछले समय में हम लोगों ने 42,000 से अधिक नियुक्तियां की हैं और आप कह रहे हैं सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। भाई ये तो अपनी मानसिकता बदलने की बात है ना, कि देखिए जो हो रहा है वो देखिए और आप हमारे ईमानदार प्रयास को देखिए कि हम लोग कोर्ट में जो चीज़ रुकी हुई थी उसको सरकार और विभाग की तरफ से प्रयास करके हम लोगों ने उसको शुरू कराया है और हम लोगों का लक्ष्य बहुत बड़ा है। अभी लाखों नियुक्तियां करनी है और अभी छठे चरण का हम लोग काम पूरा करने जा रहे हैं। अभी तक जो उम्मीद है उसके हिसाब से इस महीने के अंत तक हम लोग इस चरण को पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सारी समीक्षा करके सातवें चरण की भी शुरुआत कर देंगे। इसलिए हमारे समझ से जो हमारे सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं उनको धैर्य से रखना चाहिए और कभी ये नहीं कहना चाहिए, और अगर कहते हैं तो आप जागरूक पत्रकार हैं जो देख रहे हैं कि नियुक्तियां हो रही हैं, उनको भी बताना चाहिए कि भाई जब नियुक्तियां हो रही हैं तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि खाली आश्वासन मिल रहा है? अगर खाली आश्वासन रहता तो 45,000 नियुक्त कैसे हो जाते? अगली जो नियोजन प्रक्रिया शुरू होगी, एक तरफ तो नियोजन की बहाली जो निकलती है टीचर में नहीं जुट पा रहे हैं, शिक्षक जितना खोज रहे हैं उतना नहीं मिल पा रहा है, सड़क पे आंदोलन भी कर रहे हैं। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि कोई शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं ऐसी स्थिति नहीं है। आज जो आंकड़े आए हैं वो एक चरण के आंकड़े हैं और वो चरण भी अभी बाकी है। उस चरण में भी जो नगर क्षेत्र हैं उनमें नियुक्तियां अभी हो रही हैं, जो 28-29 अगस्त तक यानी इस महीने के अंत तक वो नियुक्तियां होंगी। और इसमें दिक्कत जो आ रही है उसी का निदान हम लोग अगले चरण में करने भी जा रहे हैं कि शिक्षकों को या जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको हम लोग असीमित च्वाइस देते हैं, विकल्प देते हैं कि उनको जितने जगह में वो चाहें उतने नियोजन इकाई में आवेदन दे सकते हैं, वो सब जगह दे देते हैं। नियोजन की तिथि लगभग एक ही होती है और उनके आवेदन के बाद वो प्रभावी तभी होता है जब उस दिन वो नियोजन इकाई के समक्ष उपस्थित होते हैं। तो अब 50 जगह दे दिए लेकिन उपस्थित तो एक ही जगह होंगे, तो उसके कारण बहुत सारी रिक्तियां रह जाती हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि जो वो एक नंबर में आए लेकिन वहां पहुंच नहीं सके, बहुत जगह जहां आ गए वहां उनके लिए वैकेंसी नहीं बचती है। ये सब हम लोगों ने मैंने इसका लेखा जोखा ले लिया है और ये चरण छठा चरण
इस महीने समाप्त हो रहा है और हम समझते हैं कि इस चरण की समाप्ति के बाद तत्काल हम लोग विभिन्न जिलों से जो शेष बची रिक्तियां हैं उसकी सूचना लेके और जल्द से जल्द अगले महीने में, हमको लगता है अगले महीने अंत तक निश्चित रूप से हम लोग अगले चरण की भी प्रक्रिया प्रारंभ। तो आपने सुना शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को, उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं। उन्होंने कहा कि छठे चरण के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया की तरह अभी नियुक्तियां चल रही है। छठे चरण के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया इस महीने के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। छठे चरण की बहाली के दौरान जो समस्याएं आई हैं उसे अगले चरण में दूर कर ली जाएगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार में शिक्षक अभ्यर्थियों की यह सुविधा दी गई थी कि वे जितने नियोजन इकाई में आवेदन करना चाह रह सकते हैं, जिसका नतीजा हुआ कि अभ्यर्थी सही समय पर सही जगह नियोजन इकाई के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके, जिसके कारण बहुत सारी रिक्तियां रह गई। इन सब चीजों का भी ध्यान सातवें चरण में रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।